तो मजदूरी भी तो है बल्कि 450 में मजदूरी है, 500 में मजदूरी है। हो रहा 450 जब सस्ता था तो 300 का था, 300 थी मजदूरी। 28-29 रुपए का किलो क्यों नहीं बिक रहा हूँ, कहाँ हो रहा हूँ बता, कहाँ हो रहा हूँ 400 रुपए में कहाँ हो रहा हूँ। वो भी कहू थी प्राइवेट में, सरकारी रेट को है पता कहाँ है। घर का पूरा तो तुम्हें करना पड़ेगा, घर का पूरा हमें करने पड़ेगा। बहुत कम है, सरकार थोड़ी पूरा करेगी, कुछ तो हाथ पे तो चला नहीं पड़ा है। महंगाई है तो मजदूरी भी बढ़ गए। 335 रुपए सरकारी रेट, और वो भी अपन लोगों को तो 15 जना में एक बार काम लगो, 10 जना में एक बार लगो तो अपन 400 ले रहे, तो अभी अपन को कछु नहीं है। 500 तो होने ही होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, मजदूर तो मजदूर ही है। वो कह रहा हूँ 200-300 रुपए हो यार सरकारी रेट तो, कम से कम हम को राहत तो मिले। सरकार में इतना फायदा हो गया है कि मजदूर आदमी को पैसा ढंग से मिल जा रहा है, और जो दादा पहले ऐसा होता था। सुनो हमारी सुनो, अब जब इतनी समस्याएं हैं तो का लगे की सरकार बने। अब सरकार हम कहा बता दे, कहा हमारे हंस गए, हंस गए चाचा। नहीं नहीं, हमारे बनाए से बनने का से बताओ, की के बनाए से बने, विदेश को आदमी आए, पाकिस्तान को आदमी बनाए, भारत में सरकार नहीं बनाए तो ये तही को हनुमान बताओ की को बने। सरकार ने पैसा मिल जा रहा है मजदूरों को, ना तर पैसा ना मिलता, रात मिलती थी संध्या के 5 बजे भगा देते थे। सरकार में पैसा नहीं मिला, पैसा मिल जा रहा काम को, ना तर भग जा रहे हॉकी को डंडा, पैसा काम करा लेते, पैसा नहीं देते। कब कब की बात है भाई, ये सरकार से पहले की बात है जी। जब पैसा जी का काम करते थे अपन को पैसा मिलता था, आदमी को जबरदस्ती तब चौक से ले जाते, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, चलो काम पे होता जाके कहते अरे काय के पैसा चाहिए, पैसा नहीं देते हो, काम करा लेते, पिछोर में चले जाते वो तो चले जाओ, मैं भी चले जाओ, आदमी गांड पे लात खा के आते तो चुपचाप भग जाते, तो क्या करे। अब बदल लो कुछ, आप मिल लो, आप धड़ाधड़ पैसा मिल लो, आप आदमी से डरा रहे हो कि भैया भैया चलो जा चौकी, तो अब यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही। अच्छा चौकी बारे सुना था, जा सरकार में 12 लगा दो, अब हाल पहुँची जा धड़ धड़ा के 112। सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, झूठी कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, बदनाम कर रहा है, नहीं बदनाम नहीं कर रहा है। ये मजूरी हाल तत्काल मिलती है, नहीं मिले ही वो 112 लगा हाल थोड़ा पैसा देते हैं, अगर मजदूरी नहीं दे रहा है तो 12 नंबर लगाओ तुरंत पैसा दे देते, पहले नहीं देते थे। पहले कब है, 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले, जी सही है बात। लोकल के टांकोरी बताओ, टांकोरी टांकोरी के का है माहौल, काहे को वही वालो समझ रहे, जाने काहे वालो पूछ रहे, समझ सब हो, चुनाव को माहौल, चुनाव को सब बढ़िया है, बीजेपी को वोट देने काहे बढ़िया तो है, सब आनंद मंगल चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद चल रहा हो, वही तो पूछ रहा है, जही चल रहा हो बढ़िया, रोजगार खूब मिल रहा हो जनता को, और का मिल रहा रोजगार खूब, और काम चल रहा है बढ़िया। और कांग्रेस का है नहीं, कांग्रेस अब फैला हती, कांग्रेस अब एस डी के चल रहा वही खोदे उनको, फिर कहाँ और का है, और का इतने खुश हो तुम, और तुम अकेले के पूरे घर खुश है, पूरे घर पूरा घर खुश है, और मैं मोड़ा मोड़ के मैं मोड़ा मोड़ के हम तो सब में खुश हैं, जो है मंजूरी मिल रही भाई बढ़ गया है, हम तो है कांग्रेस के पक्ष के जैन साहब के, तुम जानते ही खुश ना जा रहा, हम तो ज़्यादा खुश हैं कांग्रेस के। अच्छा तुम भाजपा से काहे खुश नहीं है, हमें खुश ही ला के बताए क्योंकि लॉकडाउन में हम बर्बाद हो गए, मोड़ी एक बच्चा खो बैठी अस्पताल में, खत्म हो गए लॉकडाउन में, 3 साल का बच्चा, 3 साल का लड़का खत्म हो गए, हम तो और दुखी करो लॉकडाउन में सुनाई नहीं भाई, दिक्कत का हो गई थी, अब दिक्कत का भाई बीमार हो गया बच्चे ने खुद नहीं ली, खुद के अपने बच्चे से मिल नहीं पाए, कहाँ दिखाओ तो इमरजेंसी में सरकारी में, बच्चे के पास जाने तक नहीं दिया,
लॉकडाउन में इस सरकार में आग न लग जावे बीजेपी में। जब लोगों को दर्द है कोरोना में जीने अपने लोगों को खो है उनके अंदर दर्द भी है। बड़े लोगों को बड़ी बड़ी सुविधाएं मिली ये बात में कौन दो राय नहीं है, लेकिन गरीब आदमी भट्टे खात रहा हो इसमें भी कौन बात नहीं। गरीब आदमी को तो हमारा तो ये तो 55 साल की उम्र है अभी तक गरीबी कोई लाभ ही नहीं आई हमारे लिए तो। नहीं मिल रहा कुछ ही नहीं, ना आवास शौचालय पेंशन फलाना ठिकाना कुछ नहीं, ना आवास मिला ना पेंशन मिल रही ना कुछ मिल रही। राशन तो मिल रहा हूँ, राशन नहीं मिल रहा खाली बस लाल कार्ड राशन नहीं मिल रहा राशन। भाई जो 5 साल राशन दे रही हैं जो जनता को इसीलिए तो मुहिम कर लिया और कुछ नहीं है। ना तो आयुष्मान कार्ड बना है मेरा, ना कोई गैस सिलेंडर मिला है मेरा, ना कोई लाभ मिल रही है मेरी। अभी हमारे लड़के का ऑपरेशन हुआ था तो आयुष्मान कार्ड के लिए मैं 17 जगह भटकते फिर कभी मेरे को आयुष्मान कार्ड मैंने हाईप्लान नंबर लखनऊ भी कॉल किए हैं तो उसमें बोलते हैं कि भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है। तो गरीब आदमी को तो कोई लाभ ही नहीं मिला है, ना कोई सिलेंडर मिला है, ना कुछ मिला है, बताइए जनता क्या करेगी। तो सरकार तो बदलना ही चाहिए, सरकार तो बदलना ही चाहिए या कांग्रेस आ जाए कोई या सपा या कांग्रेस सपा का तो गठबंधन है ही भाई, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है या तो आप तो हाथ के पंजे पे वोट देंगे बस। मेरा तो कोई काम नहीं हुआ है, मैंने लखनऊ भी फोन लगाया तो हाई प्लेम नंबर पे बोल के आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। हमने कही क्यों नहीं बनेगा, आप अपनी कंप्लेन वापस लीजिए, बोले लिस्ट में नाम नहीं है। तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहे भाई, जो बड़े आदमी हैं उनको बड़ा बड़ा लाभ मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, ज़मीन का भी बीमा है तो बड़ों को मिलता है गरीबों को पहुँचता ही नहीं है। नहीं बोले हो बंडी भाई, ये बंडी भाई हैं सुनो बंडी भाई से पहचान तो करा दे बंडी भाई से। ये बंडी भाई हैं हमारे साथी हैं और आवे वारे विधानसभा के चुनाव में बंडी भाई मऊरानीपुर से चुनाव भी लड़े, तुम बता रहे थे एक तरह। नहीं मऊरानीपुर से तो नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे हाँ देखते हैं जहाँ माहौल है कैसा है तो। कहाँ सदर सीट से लड़े होकर रवि शर्मा को निपटा होगा? नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन कहाँ से किस सीट से? कहाँ से भी करेंगे कोशिश करेंगे। एक सीट को ना तो बता दो क्या वैसे में दहशत में रवि विधायक जी? नहीं अभी नाम नहीं बताएं, लेकिन जीवन में हर एक काम करेंगे। चुनाव जरूर लड़े हो? चुनाव जरूर लड़ेंगे, और विधानसभा को? और विधानसभा का लड़ेंगे। अबे कहाँ सही लग रहा है, अबे कौन सी पार्टी सही लग रही है अभी बताओ तो पब्लिक से जानकारी। पब्लिक से तो अच्छा अपन कौन सी पार्टी से लड़वा चाहो? अरे बस अबे जब नहीं बोल रहे तो मैं तो बहुत बोलने पर तो करूँ। बिल्कुल ताबड़तोड़ बोलेंगे तो अबे तो बोल नहीं रहा यार, अबे जनता की आवाज बननी चाहिए तुम्हें चुनाव लड़ने का। वीडियो ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर को दर्द भी बताओ और बहुत सारे लोगों ने जा भी बताई कि हम सरकार का है चुनवे बारे हैं कौन प्रकार से चुनवे बारे किन मुद्दन पर चुनवे बारे, अलग अलग लोगों से बात भाई। बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग आते उन लोगों से बात करी, महिलाएं भी हैं इनसे भी कछु पूछ लें दो चार चीज़ें। अम्मा का नाव पर नाव का है तो बता देखो आपको अम्मा जान की काम पे जा रही हूँ। काम पे जाते हैं कहाँ है सुबह खाना आना बनाया है क्या करने पर सुबह जग के का करने पर झाड़ू पोछा नहाना धोना सब्जी खाना रोटी सब जो सब कंप्लीट करके अब काम करे हो? हाँ काम करें अब जो है भारत की नारी शक्ति सब काम निपटा के अब काम पे जा रही कहूँ कहूँ अम्मा काम भी ना मिला काम भी नहीं लगा कभी कभी फिर भाग जाते रूम पे वापस घरे। हाँ क्या पैसा मिल जा 350-400 जब जैसे मिल जाए वो भी एक जना कर लो और दो जना को बैठे रहो जना चार जना बैठे रहो एक जना काम मिल जाए दो जना नहीं मिलेगा। हाँ ना मिले
उपजा स्थिति है। महंगाई ज्यादा बढ़ गई, महंगाई ज्यादा बढ़ गई। अम्मा कछु ऐसा तो नहीं होता कि तुमसे कौन उन्हें काम करा लो फिर नहीं दे रहा पैसा तुमसे, टाइम पे नहीं आई यहाँ, टाइम काम नहीं कर रही ढंग से। झूठ बोल के लोग लेते के जो काम है और कछु भी करवा लेते तो हमारा भाग भी आते और पैसे भी नहीं मिलते, नहीं देते हम भगयात के मजूरी मारी जात बाद सरकार चल रही भाजपा भाई मोदी भाई कैसे काम कर रही है भैया सब काम तो वैसे अच्छे चल रहा हाँ काम तो बस अच्छे चल रहा काम कर रही है। अब ये काम लगता और नहीं लगता नहीं, सरकार कैसे काम कर रही है मोदी भाई बढ़िया कर रही है अपना मोदी भाई बढ़िया दोबारा बन पाए लग रही है हमें तो बन सकते हैं बन जाए। राहुल गांधी राहुल गांधी बन गए मोदी जिंदाबाद। हम बनगवा के हैं। हाँ के हो बनगवा के बनगवा हाँ जो ये बगल में है मोदी जिंदाबाद फूल पे वोट जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से चर्चा करें और अलग जगह जाए और स्थिति देखें कि माहौल का है का स्थिति नजर आ रही है। अबे अपन देखें और बताएं आपको का है इस बार झांसी ललितपुर को मूड कितना की खोच आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।